आ गया तू, देख देख मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को, तेरे को बता रहा है मेरे पास कुछ नहीं यार। ए भाऊ किधर है तू यार? पहले ये बता वो लॉकेट कहाँ है? अरे गलत आदमी को पकड़ के लेके आया तू, अपन के पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। मैंने पूछा वो लॉकेट कहाँ है। अरे क्या लॉकेट, क्या लॉकेट, लॉकेट यार, कब से एक ही सवाल कर रहे है तू, और अपन भी एक ही जवाब दे रहे है, अपन नहीं देगा तेरे को। 250 की चीज के लिए इतनी इतनी मगजमारी कर रहे है? अरे उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में 1270 रुपए, वो निकाल यार और मेरे को जाने दे भाऊ। अरे भाऊ बोला है तेरे को, भाऊ मतलब मालूम है ना? बताता है या नहीं? बताता हूँ, बताता हूँ मेरे बाप। ये कहाँ है? ये अलमारी में, बता। फिर अंदर। साजन, साजन, हसीना मलिक ये क्या कर रही है यहां? साजन का सारा सामान तो यही है, फिर वो जा कहां सकते हैं? ड्राइव मिल गई है, अब इस राज से जुड़े हर सबूत, हर गवाह को खत्म होना चाहिए। साजन, रुको। उर्मी, उर्मी छोड़ना नहीं इसको। ये तो नकली गन है, करिश्मा सिंह ने हमसे असली गन ले ली थी और कहा था कि ये नकली गन रखो। आइडिया है,
तुम्हारा ये वर्क करेगा? हाँ? नहीं। कैसा इंसान है ये गोपाल दास? 20 लाख रुपए दबा के बैठा है और ऊपर से कंगाल दिखा रहा है। बिल्लू जी आप चोर हो ना? था चोर। हाँ हाँ, मतलब आप चोर थे ना? हाँ। तो आप वो गोपाल दास के घर पे जाओ और वो 20 लाख वापस ले लो। लोग पुलिस के पास चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आते हैं और ये खुद चोरी करने के लिए बोल रही है। ये हमारी पुलिस। बस ना यार, बस ना, जब मुंह खोलेगा गोबर फेंकेगा तुम। क्या गलत बोल दी है, है? चोर के घर में चोरी करना अपराध नहीं होता है रे सियाह रात के पिशाच। चोरी का माल चोरी करके वापिस लाने को बोला जा रहा है बाबू। ये सब करके ना तुमको पुण्य करने का मौका दिया जा रहा है। पापी इंसान कहीं कहीं भी मौका ठुकरा रहा है। ये पुण्य है तो? नहीं नहीं, ये जो गोपाल दास है ना, बहुत ही चालाक आदमी है। उसने सारा पैसा घर में थोड़ी ना रखा होगा, कहीं सुरक्षित जगह संभाल के रखा होगा ना। अब उसे पकड़ कर उसका मुंह तो नहीं खुलवा सकते ना हम। अब भगवान ही समझाए तो समझे। आइडिया। नहीं नहीं नहीं, इस बार जो आइडिया आया वो काम करेगा भैया। अच्छा? हाँ। क्या? अब उसको ना भगवान ही समझाएगा। हैं? हमको जो भी सूझा है ना, उस हिसाब से गोपाल दास को अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझाएगा। कैसे? वो ऐसे कि हुआ जो उर्मी टाइम पे आ गए। मालूम, ये तो अक्खा लाइव फूल बेचने वाले इस साजन के खुद के बॉडी पे ही फूल चढ़ गए होते। तुमको किसने कहा था अकेले जाने के लिए? हमको काहे नहीं बताया? अगर तुमको अभी कुछ हो जाता तो। अरे मिली चतक चनी, कुछ नहीं होता मेरे को। कोने में उर्मिला महादेव मात्री, हो गया ना सब हैंडल, काहे को टेंशन। अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, उर्मी के लॉकेट के लिए मेरे को क्या को किडनैप किया? मतलब कोई 250 रुपए के लॉकेट के लिए इतना राड़ा करेगा ये? एक मिनट, उर्मी के लॉकेट के लिए? अरे जब से मेरे को उठा के लेके गया ना, ठोक ठोक के मेरे को एक ही सवाल कर रहा था, लॉकेट किधर है, लॉकेट किधर है। अपन ने भी बोल दिया, देख भाऊ अपन ने ही बताएगा। अरे वो तो अपन के प्यार की निशानी है। लॉकेट किधर है? उर्मी के पास है। लॉकेट किधर है? वो गिर गया। कहाँ गिर गया? वो ऐसे ही उधर भागते भागते लॉकेट गिर गया मेरे से। नहीं मतलब कुछ तो याद आ रहा होगा ना कि लॉकेट कहाँ भाग रही थी। मैं याद कर रही है मेरे को। नहीं नहीं, देख 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 देख, ए चटक चलनी। तुम कटो। कटो। अरे जाना। जा रहे ले। क्या कहा था तुमने हमको? क्या कहा था तुमने हमको कि तुमको ये लॉकेट तुम्हारे किसी मुंह बोले भाई ने दिया है? ये पेन ड्राइव है और तुम्हें पता है इसके अंदर कितना गंभीर जानकारी है, तुम सोच भी नहीं सकती हो। अब तुम ना हमको सच बताओगी कि ये तुमको किसने दिया था? तो ठीक है, अभी सुन। वो जो तेरा भाई है ना, वो हीरो अनुभव, वो मेरे को लेकर गया था एक बैंक में हसीन दिलरुबा के अकाउंट को साफ करने के लिए। एक मिनट, हमारे अनु भैया वो तुमको काहे लेकर जाएंगे वहां पे? मेरे को क्या मालूम, वो जो भी है वो उसमें से जो भी सामान निकला उसमें से ये जो लॉकेट था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहन के क्या मस्त लगेगी, एक नंबर, तो मैंने ढाप लिया। और तभी मेरे को लगा कि मैं तेरे को बताएगी तो तू और ज्यादा भड़केगी, इसलिए। तुम्हारा क्या दिमाग बिल्कुल बौरा गया है क्या? हाँ, ये तुमको ये मजाक का चीज लगा, अच्छा लग गया तो रख लिया तुमने? कितना ये हाई सेंसिटिव चीज है, ये तुम रख भी कैसे सकती हो अपने पास? तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? अगर ये हमें पहले मिला होता ना और मिला तो तुम्हारा टिकट कट चुका होता। कब का? मुंबई का? परलोक का? चढ़ बुद्धि करके लगा।
तुम्हारा चेहरा मैडम सर से नहीं मिलता होता ना तो इतना कंटाप लगाते ना आज तुमको, इतना कंटाप लगाते कि तुम्हारा सारा चूरनगिरी हम निकाल देते हैं। एक तरफ करिश्मा सिंह है जो हमारे हथियारों तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और दूसरी तरफ हम जो उन्हें सच में नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। लेकिन करिश्मा सिंह, आपने जिस तरीके से हमारी गैर मौजूदगी में थाने को संभाला है उसके लिए हमें आप पर फक्र है। अरे रे, चोरी करने आया है यहाँ पर कि डिनर पर तुमको बुलाया है? ये लोग घंटी बजा रहा है। राम कर रहा हूँ, क्या रखना है? ये अभी तक लिया नहीं, स्पाई चोर है तुम। ओ, काली कुमकुम की डिब्बी। स्पीकर है। इसी को करिश्मा मैडम ने हमें यहाँ घर पे प्लान करने भेजा है। स्पीकर है। पिन 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 दीजिए संतु जी, ले। थैंक यू चित्ती, मुझे साथ लेके जाना। हाँ। अकेले मत जाना। जाओ ना, जाओ जाओ। बिलोटे, अगर तुम पकड़ा गया ना बाबू, कसम से चारों टांग फाड़ देंगे तुम्हारा हम। चुपचाप मंदिर में स्पीकर रखो और बाहर आओ। अबे निठल्ली, लगता है कोई है। कोई है? कौन? पता नहीं, चलो जाके देखते हैं। चलो तुम चलो। कोई आ रहा है? कोई आ गया संतु जी। सुनिए ना। हाँ। कुछ आवाज देख कहाँ है? लाइट ऑन कर। हाँ, लाइट ऑन। एक मिनट। चढ़ाओ। नहीं, लाइट है। ओ, बहुत टाइट है। क्या हवा टाइट है? अबे पैंट टाइट है, इसकी पैंट मुझे नहीं आ रही है। क्या चल रहा है अंदर? हे, कवर करो। क्या भाई, क्या चल रहा है अंदर? गुफ्तगु। और ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं? गुफ्तगु। चुप करो, बाहर आ जा। नहीं माँ। तुम दोनों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद। जब देखो यहाँ बिल्लू के साथ आके मस्ती करते रहते हो, बताओ। बाहर निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, इनको रहने दो। ये दोनों कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। कंटाप लगाएंगे ना खींच के, टिप्पा खा के बाहर गिरोगे, समझे तुम? और तुम दोनों निकलते हो, बनाए रॉकेट अभी के अभी। रॉकेट बहुत दर्द। नहीं नहीं नहीं, बिल्लू। ये कहाँ है बे? खड़े हो? नहीं। खड़े हो? अरे क्या कर रही हैं आप? नीचे पैंट नहीं उसकी। ओ, मेरे सारे कपड़े नीचे के कपड़े हैं वो धुलने के लिए गए हैं। एक्चुअली मैं ट्रैक सूट पहन के गया था, वो ट्रैक पे ही रह गया। तो कैसी रहोगे पूरा दिन? नहीं नहीं, घूमूंगा ना। देखो क्या करता रहता है ये। मैडम। अरे बाल बनाएंगे? हाँ हाँ मैडम। जी बताइए। मैडम वो गोपाल दास राजी हो गया बैंक का पैसा देने के लिए। मैडम कल ऑडिट का आखिरी तारीख है, बैंक मैनेजर सारे अकाउंट्स को रीचेक करने वाला है, और कल तक 20 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरी गलती की वजह से गोपाल दास नाम के किसी व्यक्ति के अकाउंट में 20 लाख रुपया ट्रांसफर हो गए। उसके बाद मैं कहीं का नहीं रहूंगा मैडम। संतुच, संतुच। क्या है
हमको बहुत ज्यादा इसे घबराहट हो रहा है संतु जी, ना सोचिए घोर कलयुग में इंसान को इंसान बनने में इतना ज्यादा वक्त लग रहा है। करिश्मा मैडम हमको भगवान बनने के लिए बोली है। क्यों डर रहे तू इतना? मैं हूं ना तेरे साथ। काम कर। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो संतु, सुनो क्या हुआ? वो पूजा करने के लिए आया कि नहीं आया? अभी तक तो हाँ, तो बस शुरू हो जाओ। रेडी है? भोलेनाथ, बचपन से आज तक मैं तुम्हारी आराधना करता रहा। इन जमाने वालों ने कितने मुझे ताने दिए कि भक्ति अक्ति करने से कुछ नहीं होता, कर्म कर कर्म। मैंने कहा यही तो मेरा कर्म है, तुम्हारी सेवा करना, तुम्हारा पूजा पाठ करना। जैसे प्रभु, आज तक मैंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया, तुम्हारे प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी, मेरे विश्वास की लाज रखी। मेरी झोली में एक साथ मुझ 20 लाख रुपए डाल दिए। प्रभु बस एक कृपा और कर दो, कृपा निधान, एक संतान सुख की प्राप्ति दे दो, एक औलाद सुख दे दो प्रभु। जीवन भर तुम्हारे चरण धो के पीऊंगा प्रभु। यह असंभव है। कौन बोला? कौन बोला? ये कौन है? कौन है भाई? तुमने हमें नहीं पहचाना वत्स, ये हम स्वयं हैं, देवों के देव महादेव। महादेव आप बोल रहे हैं? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? नहीं वत्स, ये तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे तपस्या का परिणाम है। हम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आ गए, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर। प्रभु जब आप मुझसे इतना ही प्रसन्न है, इतना अत्यधिक प्रसन्न होने के बाद फिर मुझे संतान सुख की प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे प्रभु? असंभव, अब ये असंभव है। पर क्यों प्रभु, क्यों असंभव है? कि एक वक्त पे एक ही महाइच्छा का द्वार खुल सकता है। तुमने संपत्ति मांगी, हमने संपत्ति दिया, तुमने अगर संतान मांगी होती तो हम संतान दे दिए होते। प्रभु अब कुछ नहीं हो सकता है? हो सकता है, अगर तुम पहला वरदान वापस कर दो और जो धन तुम्हें जहां से मिला था उसको वहीं वापस रख के आ जाओ तो दूसरे महाइच्छा का दरवाजा खुल जाएगा और फिर चुनाव तुम्हें करना होगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, संतान या संपत्ति? बोलो वत्स। प्रभु दोनों नहीं मिल सकते? लोभी मनुष्य, दुष्ट प्राणी, हमने कहा ना एक वक्त पे कोई एक ही महाइच्छा पूर्ण की जा सकती है, संतान या संपत्ति। विलंब ना करो और बोलो कि क्या चाहे। सोचने के लिए वक्त चाहिए प्रभु। सोचने के लिए क्या वक्त चाहिए हमें? बीवी से पूछना होगा ना। आप? पता नहीं डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब जा सकता हूँ ना? देखिए इंजरी काफी सीरियस है, ड्रेसिंग कर दिया लेकिन फिर भी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आप रेस्ट कीजिए, जैसी भी कंडीशन होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अनुभव, हम आपसे मिल सकते हैं क्या? दरअसल आप जानते ही होंगे कि साजन किडनैप हो गया था, हमने बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया है। इनफैक्ट हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो हाथ से निकल गया। लेकिन हाँ, हमने उसे गोली जरूर मारी है और हम उसे ढूंढ के रहेंगे चाहे वो जहन्नुम में भी क्यों ना हो। आई एम सॉरी, एक्चुअली हम बहुत स्ट्रेस में हैं इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। अभी मिलना असंभव है हसीना जी, हम कुछ काम में उलझे हुए हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही हम फ्री होंगे सबसे पहले आपसे ही मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। रखते हैं। सुनिए, आई लव यू। आई लव यू टू।
हसीना जी। एक बार हम ठीक हो जाएं हसीना मलिक, फिर देखते हैं कौन बचाता है आपको हमसे। आपकी मौत तो अब निश्चित है, वो भी हमारे हाथों।